झारखंड सरकार ने गढ़वा जिले की बेटियों को महिला महाविद्यालय सोनपुरवा के रूप में एक सौगात दी है। सुबह के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने महिला कॉलेज का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गढ़वा जिला में महिला कॉलेज नहीं था, सरकार ने इस जिले के बेटियों को तोहफा दिया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों का काम सिर्फ जोकर की तरह रह गया है, सोशल मीडिया पर खुद से फोटो डालकर सिर्फ मखौल उड़ाते हैं और खुद हंसी के पात्र बन जाते हैं। आज गढ़वा ही नहीं पूरे झारखंड में विकास का कार्य हो रहा है। जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि जनता ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने किस तरह से निभाया और कौन कौन से ऐसे काम किए कि जैसे इस जिले को या इस विधानसभा के लोगों को उसका फायदा पहुंच सके। और जब से मुझे गढ़वा विधानसभा की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना और इस राज्य में अपनी सरकार गठन कराने का काम राज्य की जनता ने किया है, निरंतर ऐसे काम हो रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए गढ़वा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, झारखंड सरकार बेटियों को बहुत बड़ी सौगात दी है, महाविद्यालय खुलवाया है जबकि महिला महाविद्यालय वहां पर नहीं था, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कितनी उत्साह वहां की बेटियों में नजर आ रही है धर्मेंद्र? जिले का पहला महिला महाविद्यालय होगा जहाँ पर सारी सुविधाओं से लैस यह महाविद्यालय बनाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 15 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए जो यहाँ पर स्थानीय विधायक और सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अपना कॉलेज प्राइवेट कॉलेज जरूर खोल लिया लेकिन महिलाओं को उनकी सुरक्षित और अच्छा व्यवस्था को लेकर कभी किसी ने ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उन्होंने शुरुआत में भी कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब इस बात की उन्होंने सूचना दी तो उन्होंने तत्काल इसकी परमिशन दे दिया, वह आज उसका मुक्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद अच्छी खबर गढ़वा से, जहां पहले महिला विद्यालय नहीं था, महिला विश्वविद्यालय नहीं था और अब गढ़वा की बेटियों को बहुत ही अच्छी सौगात मिली है, महिला विश्वविद्यालय अब वहां खुल गया है।